मरते हैं आगे और अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, वो आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। मित्रों व अपने साथी के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। पुराना रोग आपको आज फिर से एक बार परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखें। गौ माता की आराधना कर लेना, उनकी सेवा करना, पशु पक्षियों को चारा देना आज आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। लेकिन ये समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट का ठीक नहीं है, तो आज इन्वेस्टमेंट यानी निवेश न करें। अब जानते हैं कि धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी नहीं है, तो परिवार के साथ आप प्रसन्नता का समय व्यतीत करिए। आज परिवार को थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। आज व्यापार से थोड़ा सा आप राहत पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित हो सकते हैं। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के आज एक अच्छा खुशनुमा और परिवार का समय व्यतीत कर सकते हैं, जो आपके लिए आजकल बहुत रेयर हो गया है। आपके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है मेरे पास, एक लाल सूती कपड़े में थोड़ी सी सौंफ रख करके आज अगर आप अपने सिर के पास रख करके सोते हैं, दिन में जब आप विश्राम कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। या आप अपने साथ इसको लेकर के चल सकते हैं, थोड़ी सी सौंफ को लाल कपड़े में। आपका जो भी आज बैड लक है वो आपसे दूर होगा। कार्यों में अवरोध से मन को निराश मत करिए। जी दोस्तों, कुछ और राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। यहाँ पर दीपन जुड़ गई है हमारे साथ आगरा से। दीपन, स्वागत है आपका कुंडली में। आचार्य चरण पर जी नमस्कार, बताइए जी। जी मेरा नाम विपन है, मेरे पति का नाम संजय और पिटिया का नाम दिशा सिंह और बेटे का नाम हर्ष सिंह जी। तो मैं ये किस राशि के नाम से इनका विचार करूं? जी देखिए, जो ज्योतिष का सही तरीका है वो जन्म चक्र के हिसाब से ही फलादेश होता है। अगर आप एक एक करके एक अलग अलग शोज में आप जानना चाहेंगे तो आपको राशि बता दी जाएगी, और वही प्रमाणिक तरीका माना गया है। पुकारने के नाम से, राशि नाम से जो राशि देखते हैं वो उतनी ज्यादा प्रमाणिक नहीं है जितना आपके चंद्र राशि से देखा जाता है। आगे बढ़ते जी, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर कानपुर से जुड़ गए हैं एस एन शर्मा हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुंडली में। मैडम आचार्य प्रणाम जी, नमस्कार, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1963 जी। जी रात को 1:10 जी। और जन्म का स्थान बताइए शर्मा जी। सहारनपुर जी। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ ऐसा है, मैं अपना मेरी नौकरी बार बार छूट जाती है, तीन साल से चल रहा है मेरी साथ जी। और अब मैंने सर अपना काम किया है जी, तो अब मैं क्या इसमें सफल हो पाऊंगा? जी बिल्कुल। आदरणीय शर्मा जी, आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, और शनि आपकी कुंडली में तीसरे भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। तीसरे ही भाव में, तीसरे खाने में बैठे हुए। तीसरा भाव जो किसी भी जातक के जीवन में होता है वो संघर्ष और पराक्रम का स्थान होता है। शनि के साथ साथ वहाँ पे बुध और केतु भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जीवन में अभी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा होगा। और जहाँ तक आपने अपना व्यापार शुरू किया है, अपने व्यापार की बात है, तो उसमें आपको कुछ लाभ मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको करना यह कि आप शनिदेव का निवारण करें, उसके साथ साथ हनुमान आराधना और गणेश आराधना भी आप करते रहिए। एक स्टील का लोटा लेकर के थोड़ा दूध और पानी मिलाकर के पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन आप जल देना शुरू करें, बहुत अच्छा चमत्कार आपके जीवन में घटित होगा। यहाँ पर हिमानी जुड़ गई है रामनगर से हमारे साथ। हिमानी बहुत बहुत स्वागत है आपका कुंडली में। हिमानी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए यहाँ पर एक और दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ बुलंदशहर से, पिंकी। पिंकी स्वागत है आपका कुंडली में। हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी मुझे अपने देवर के बारे में जानना है। उनकी जन्म तिथि बताइए। जी 3 नवंबर जी 1991 जी। जन्म का समय 4:51 सुबह की या शाम? सुबह की या शाम के? शाम जी, हाँ दोपहर को। चलिए, और जन्म का स्थान बताइए। जी बुलंदशहर। पूछिए अपना सवाल। अब चलिए, आपके देवर की जो जन्मपत्रिका आपने दी है, आपने कोई सवाल नहीं बताया, हमने विलंब किया। और फिर से एक बार मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इतना समय हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों की कॉल्स लेनी होती है, हर व्यक्ति की अपनी समस्या है। देखिए पिंकी, आपने जो जन्मपत्रिका दी है इसमें राहु की महादशा चल रही है और उसमें बृहस्पति की अंतरदशा है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने देवर को आप सजेस्ट करें कि वो हनुमान आराधना करेंगे तो लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं राशियों की। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा?
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं रहने वाली हैं। प्रयास करने से आय भी बढ़ेगी, अपनी स्थिति को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, तो आज आप अपनी स्थिति को बचाए रखें। अब जहां जिस स्थिति पर हैं अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखें। वैवाहिक संबंधों में भी कुछ तनाव हो सकते हैं, तो आपको अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना है। लाल चंदन का तिलक अगर आप देवी आराधना के बाद स्वयं अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। किसी के बारे में कोई धारणा पहले से बना करके मत रखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने अगर जिस व्यक्ति के बारे में जो सोचा है वैसी स्थिति ना हो। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आचार्य जी से। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए धन की प्राप्ति हो सकती है तथा उसके निवेश व उचित उपयोग के लिए व्यावसायिक सेवाएं लेनी पड़ सकती हैं। इस समय पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वभाव में कुछ तेजी, कुछ तीव्रता, आपको गुस्सा आ सकता है, आप बहुत ज्यादा उद्विग्न हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज देवी आराधना के साथ साथ हनुमान मंदिर में लाल चंदन अर्पित करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। रुपए पैसे के लेन देन में आप सचेत रहें। बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे, बहुत आज आपका दिन शुभ हो सकता है। आर्थिक मामलों में कुछ सुधार की स्थिति दिखाई देती है और उसके साथ साथ इस समय कुछ ऋण प्राप्ति की भी कोशिशें जो चल रही थी वो आपको सफलता दे सकती है। आज की तिथि में यदि संभव हो सके तो आपको व्रत करना चाहिए और एक समय आप सादा भोजन कर सकते हैं, मन की चंचलता को नियंत्रित करें। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अब समय है महामंत्र महा उपाय जानने का। आचार्य से, आचार्य जी आज महामंत्र महा उपाय आप बताएं हमें, लेकिन आज महागौरी का दिन भी है तो चाहेंगे कि साथ साथ आप ऐसा भी कोई मंत्र बताएं जिससे कि हमारे जो दर्शक है वो आज के दिन महागौरी को प्रसन्न कर सके। जी, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आपने लगातार जो साधनाएं की हैं नवरात्र के अलग अलग तिथियों में, आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आज का दिन जो है वो विपत्ति नाश का दिन है। अगर आप माँ महागौरी की आराधना करते हैं और जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का जाप करते हैं तो हर प्रकार की विपत्ति आपके परिवार पर या आप पर, आपके व्यापार पर आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो किलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरीपा हि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यह मंत्र देवी की साधना के लिए है, देवी के ध्यान के लिए है। देवी का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करें 108 बार, हर प्रकार की विपत्ति का नाश हो जाएगा, आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बिल्कुल आचार्य जी, आप हमारे शो में आए, दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, महामंत्र बताया, महा उपाय बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दोस्तों कुंडली में आज बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क वन मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क वन मिनट शेक, मैंगो चॉकलेट केसर बादाम और रोज फ्लेवर्स में। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान, लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज, देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदि शक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का, अपने कैमरा
या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। ये देख, गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद कल्याण सिंह करेंगे बीजेपी में वापसी, फाइनल बातचीत के लिए नितिन गडकरी की कॉल का इंतजार। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतरी भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत ने किया ऐलान, फरुखाबाद में लाठी डंडों के साथ करेंगे प्रदर्शन। फर्जी पासपोर्ट के मामले में बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण की पेशी आज, प्रधानाचार्य नरेश द्विवेदी भी होंगे पेश। ₹8,000 करोड़ के घोटाले के एनआरएचएम घोटाले में सुनवाई आज, गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में पेश होंगे बाबू सिंह कुशवाहा और अन्य आरोपी। रुड़की में डेंगू के 29 मामले आए सामने, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र नेगी ने इलाके का दौरा कर जाना मरीजों का हालचाल। राजधानी में दिखाई सुल्तानपुर के ब्लॉक प्रमुख के गुर्गों ने दबंगई, पहले एसओजी सिपाही को गाड़ी से मारी टक्कर, फिर पिस्टल छीनने का किया प्रयास। लखनऊ के इंटोजा में सामने आया रंजिश का घिनौना खेल, 14 साल की मासूम के साथ घर में घुसकर गैंगरेप, पुलिस ने मामला किया दर्ज। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य एवं रसद विभाग हुआ चौकन्ना, ग्रेटर नोएडा में मिठाइयों की दुकान पर तो मेरठ में किराना की दुकान पर छापे मारे। आज है नवरात्रि का 8वां दिन, अष्टमी पर हो रही है मां महागौरी की पूजा, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। और फिल्म निर्माता यश चोपड़ा का अंतिम संस्कार आज, कल मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुआ था निधन, बॉलीवुड में छाया शोक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। 8,000 करोड़ के घोटाले के एनआरएचएम घोटाले में सुनवाई आज होगी, बीएसपी सरकार में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की आज पेशी है, ये पेशी गाजियाबाद में सीबीआई अदालत में होगी, इसमें कुशवाहा के साथ साथ अन्य आरोपी भी पेश होंगे। आपको बता दें बाबू सिंह कुशवाहा इस वक्त जेल में बंद। इस खबर पर और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं समाचार प्लस संवाददाता बीजमा बाबू सिंह कुशवाहा आज कोर्ट में पेश होंगे, उनके अलावा और किन किन की होगी कोर्ट में पेशी? जी दिव्यांश, आज देखिए आज जो कोर्ट का दिन है आज काफी स्पेशल दिन है, क्योंकि आज कई हाई प्रोफाइल केसेस, तकरीबन आधा दर्जन हाई प्रोफाइल केसेस, या यूं कह लें कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं उन सभी की पेशी है। ये एक इत्तेफाक ही है कि आज ऐसा दिन है। मतलब कि आरुषि हेमराज मर्डर केस में आज सुनवाई है, एनआरएचएम घोटाले में आज बाबू सिंह कुशवाहा और एमएलसी आरपी जायसवाल पेश किए जाने हैं। इसके अलावा नोएडा प्लाट आवंटन मामले में जो पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव हैं जो फंसी हुई हैं उसमें, उनकी आज पेशी होनी है। निठारी कांड की आज उसी कोर्ट में जो है सुनवाई है। इसके अलावा जो है पीएफ स्कैम जो था जिसमें कोर्ट के कई जज, पूर्व जज भी फंसे हुए हैं, उनकी आज पेशी होनी है।
और ये तमाम केसेस की सुनवाई जो है तकरीबन आधा दर्जन केसेस की सुनवाई आज के ही दिन एक ही अदालत जो कि एसलाल की अदालत है, सीबीआई की विशेष अदालत है, उसमें ये सभी केसेस की सुनवाई होनी है। जी दिव्यांश, बीजेम इस पूरे मामले की बात करें तो एनआरएचएम घोटाला वाकई में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जिसने हड़कंप मचा दिया था, इस घोटाले की गूंज और इसकी आंच में अब तक कई बड़े बड़े नाम सामने आ चुके हैं।